अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो है दराज शॉपिंग हॉल। और आप लोगों को अंदाज़ा ही होगा कि मैं घर की तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें जो है ना दराज से ही मंगवाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने दराज से कुछ पार्सल वगैरह ऑर्डर किए हुए थे जो कि रिसीव हो चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे घर में रेनोवेशन चल रही है, तो मुझे डेकोरेशन का भी बहुत सारा सामान चाहिए। तो बस डेकोरेशन का भी काफ़ी सामान मैंने दराज से ऑर्डर किया था, जिसमें से कुछ तो मुझे रिसीव हो गया, तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जैसे ही बाकी के रिसीव होंगे तो मैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पार्सल है मैं उसे ओपन कर रही हूँ, और ये बहुत ही ज़बरदस्त पार्सल है। ये मैंने मंगवाए हैं जी वॉल लैम्प्स। तो चलिए जी इसे ओपन करते हैं और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये कैसे हैं। तो जी, मेरा तो दराज के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है। काफ़ी लोग जो है ना डरते हैं कि कहीं पे कोई गलत चीज़ वगैरह ना आ जाए, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा चल रहा है। मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भी मंगवाई है। लास्ट ईयर मैंने अपनी LED जो है ना वो भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी, और कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ अपना इंस्टेंट पॉट भी शेयर किया था जो कि मैंने दराज से ही ऑर्डर किया। और अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ निकली है, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और दराज की इतनी अच्छी पॉलिसी है कि अगर आपको चीज़ ठीक नहीं मिली, कुछ गलत मिले, तो आप इजीली उन्हें रिटर्न कर सकते हैं, कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपना पार्सल जो है वो ओपन कर लिया, और मैं चेक कर रही हूँ इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं जो दिखाने वाली हो। तो मैंने सारा कुछ उसमें से निकाल दिया है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको मैं साइड पर करके रख रही हूँ। तो ये मंगवाए हैं जी मैंने वॉल लैम्प्स, और बहुत ही खूबसूरत ग्लास में हैं। और मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी कि कहीं पे आते आते टूट ना जाए, और मैं चाह रही थी कि बात से पहले पहले मैं ये ना इनको फिक्स भी करवा दूँ। तो ये देखें जी कितनी खूबसूरत चीज़, इसका पेंट, इसका मटेरियल वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी रीज़नेबल है। ये जो दोनों आए हैं मुझे 8000 में दोनों मुझे लैंप्स आए हैं। मैं इसको करना चाह रही हूँ, और यहाँ पे आ गया है ज़ोरो भी। तो बस मैं जो है ना थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू दूंगी, उसके बाद जो है ना मैं इसकी फाइनल लुक जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और जी ये है वॉल लैंप्स की लुक जो कि मेरे रूम में लगे हुए की है, और ये विदाउट बल्ब्स मुझे रिसीव हुए हैं। ये विदाउट बल्ब्स ही होते हैं, बल्ब्स आपको खुद से अरेंज करने हैं या दराज से ही ऑर्डर कर सकते हैं, सेम स्टोर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जब हम अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ, तो चलिए इसे ओपन करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या ऑर्डर किया था। जी तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किए हैं डिस्पोजेबल टी बैग्स। ये मैंने इससे ऑर्डर किया है कि समटाइम्स अगर आपको बाहर की चाय नहीं पसंद, तो आप इजीली अपने जो टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी पत्ती वगैरह डाल के लेके जा सकते हैं, या समटाइम्स मेरे हस्बैंड को बनानी पड़ती है चाय। तो हम लोगों का बहुत मसला है कि हमें जैसी चाय होती है ना, हमें बिल्कुल वैसी ही चाय होती है। तो मैं इनको अब फिल करके रख दूँगी, तो जब दिल किया उसे कप पर डाल के आप इजीली इसे बना सकते हैं। जैसे गैस भी नहीं होती तो आप इजीली इसे कैटल में आपने पानी गर्म किया, दूध गर्म किया, और इसमें इधर ही आपने डिप कर देना इसे। और यहाँ पे ये मैंने जी दो चीज़ें मज़ीद ऑर्डर की हैं। ये जो अभी दोनों पार्सल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये दोनों मुझे चाइना से आए हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किए हैं मशरूम क्लिप्स हैं, जो कि आप बेडशीट पे इजीली लगा सकते हैं ताकि आपकी जो बेडशीट है वो बिल्कुल भी हिले ना। तो बस ये 4 पीसेज हैं, और जब मैं इनको यूज़ करूँगी तो मैं आपके साथ इनका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मुझे बेड की जो बेडशीट होती है ना बिल्कुल फिक्स पसंद है, बट जैसा कि बच्चे ऊपर खेलते हैं कूदते हैं तो बेडशीट वगैरह हिल जाती है, जब ये क्लिप्स वगैरह लगेंगे ना तो वो फिक्स रहेगी। और ये मैंने जी डबल टेप ऑर्डर की है, डॉट टेप्स हैं। ये मैं लगाऊँगी अपने ड्रॉर्स में ताकि जो है ना इनको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगे, और मुझे पता चल जाए कि ये बाद अब ड्रॉर खोलने लगे तो मैं फ़ौरन जाके देख लूँ। और ये नेक्स्ट ऑर्डर ये भी जी मेरा है चाइना की तरफ से। ये भी मैंने ऑर्डर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये स्टेनलेस स्टील क्लॉथ है, इससे हमारे बर्तन जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे धो सकते हैं। और चले जी ये मज़ीद कुछ पार्सल्स हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर कर दूँ कि ये सारे पार्सल्स मैंने एक ही दिन में ओपन नहीं किए, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे फ़ौरन यूज़ करनी थी तो वो मैंने यूज़ करनी है, बट उनके वीडियोस मैंने साथ साथ रिकॉर्ड करनी है। और ये जो पार्सल है यहाँ पे जी मैंने ऑर्डर की थी
आइस क्यूब ट्रे, तो ये है सिलिकॉन में और बहुत अच्छी मुझे लगी है। बट ये थोड़ी सी स्मॉल है, मुझे वहाँ पे थोड़ी बड़ी लग रही थी बट सामने आके थोड़ी सी स्मॉल है, बट स्टिल गुड। और सिलिकॉन में इससे इजीली आप जो है आइस वगैरह इजीली निकाल सकते हैं, जो वो पहले प्लास्टिक की होती थी ना वो चीज़ नहीं है। और इसके साथ इसका कवर भी है, जैसे अगर आपने कोई चटनी वगैरह बना के रखनी है और आपको ये हो टेंशन के कोई फ्लेवर वगैरह एक्स्ट्रा ना इसमें आ जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट इसका साइज़ स्मॉल है, तो अगर आपको कहीं से बड़ी मिले तो आप बड़ी इसी चीज़ में ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। और जी ये नेक्स्ट जो मेरा पार्सल है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये जी मैंने डिस्पोजेबल वॉशेबल टिशू ऑर्डर किया था, क्योंकि जी कैबिनेट और चूल्हा वगैरह साफ़ करने के लिए काफ़ी काम आता है। और ये है जी मेरा नेक्स्ट पार्सल, जो कि काफ़ी ही मुझे मज़े की चीज़ें लगी थी। ये वुडन पेंटिंग्स इन्हें कह लें या फ्रेम्स वगैरह कह लें, सीनरीज कह लें, कुछ भी कह लें, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये वुडन में है और बहुत ही हल्की फुल्की हैं, ये रबर टेप से इजीली अटैच हो सकती हैं। तो यहाँ पे बस मैं इनको जोड़ रही हूँ और मैं आपके साथ शो करना चाह रही हूँ कि क्या है। मैंने ऑलमोस्ट 3 ऑर्डर की थी, बट इसमें से ना एक उन्होंने मुझे गलत भेजी थी, तो और एक में से ना एक पीस उसका टूटा हुआ था, तो मैंने उन्हें कंप्लेंट की, सो उन्होंने मुझे दोबारा से एक सेट दोबारा से भेज दिया और मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छे लगे हैं। और यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ कि इनकी लुक वगैरह क्या है। और ये नेक्स्ट है मेरा पैकेज, क्योंकि जी ये चार चार के सेट था, तो बस मैं उनको सेट कर रही हूँ और आपके साथ शो कर रही हूँ कि ये क्या है और कैसी लग रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं, बहुत ही हल्की फुल्की हैं। तो नेक्स्ट मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ, ये है जी कैक्टस में। ये वाली मैंने 4 पीसेज वाली ऑर्डर की थी, बट यहाँ पर मुझे 3 पीसेज रिसीव हुए हैं, तो इस वजह से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कह दें या मेरे कंप्लेंट पर उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा एक सेट भेज दिया था। बट स्टिल ये वाली नहीं उन्होंने भेजी जो मुझे 4 पीसेज में चाहिए थी, उन्होंने मुझे डिफरेंट वाली जो है ना वो भेज दी थी। फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या दोबारा उन कंप्लेन करूँ। और ये देखें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कितनी थिन सी है और कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है, इसका पेंट वगैरह कहीं से कोई ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये है जी मेरी सीनरीज की फाइनल लुक। तो जी नेक्स्ट द्रास शॉपिंग हॉल देखने के लिए स्ट्रेट ट्यून, और मेरी वीडियो यहीं तक की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।